तो यार आज हम बात करने वाले हैं अमेरिक गल गैडोट एंड आलिया भट्ट की फर्स्ट हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले भाई शॉर्ट के अंदर इसका प्रीमाइस जान लेते हैं कि भाई मूवी के अंदर था क्या। तो मूवी में इंटरनेशनल एजेंट रेचल स्टोन को दी हार्ट नामक एक मिस्टीरियस एयर इंटेलिजेंस की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलने होगा। रेचल स्टोन को दी हार्ट को दुश्मन के हाथों में पड़ने से सुरक्षित रखने के लिए चार्टर नाम के एक सीक्रेट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम सौंपा गया। तो ये तो हो गया भाई मूवी का शॉर्ट के अंदर प्रीमाइस की भाई मूवी के अंदर होने के वाला है। अब मैं बात करता हूँ भाई मूवी के अंदर रियल में था क्या। तो सबसे पहले तो ये कोई सीक्रेट नहीं है कि भाई नेटफ्लिक्स इस मूवी के जरिए एक नई एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि हार्ट ऑफ स्टोन की जो प्रोडक्शन कंपनी है स्काई डांस, वो 2011 में आई मूवी गोस्ट प्रोटोकॉल के बाद में हर मिशन इम्पोसिबल मूवी के लिए जिम्मेदार है। मूवी के प्रमोशन से भाई नेटफ्लिक्स का जो मिशन है वो साफ साफ पता चलता है कि इस मूवी के जरिए उनका टारगेट एक वुमन इथन हंट या फिर जेम्स बॉन्ड बनाना है। यानी कि भाई सिंपल वर्ड में बताऊं तो वो एक मतलब वुमन सुपर स्पाई बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे टॉम क्रूज का इथन हंट है। मूवी भाई स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस थी, मतलब कि एक के बाद एक एक्शन सीन और चेस सीन आए जा रहे थे। एंड उसके चक्कर में हुआ ये कि वो हमको भाई मेन चीजें समझाना ही भूल गए कि चार्टर क्या चीज है भाई, दी हार्ट है वो कितना पावरफुल है, वो क्या है, MI6 क्या है। एंड वो भाई सच बताओ तो बहुत आसानी से हमको ये चीजें समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन भाई आपका भाई यहाँ पर किस लिए बैठा यार। तो सबसे पहले बात करें हम दी चार्टर के बारे में, तो ये एक सीक्रेट नॉन पॉलिटिकल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोफी ओकनर्स की भाई कैरेक्टर नोमार के द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं दी हार्ट के बारे में, तो दी हार्ट चार्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक क्वांटम कंप्यूटर है जो किसी भी चीज को हैक कर सकता है और लगभग सही भविष्यवाणियां कर सकता है। इसको आप मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के अंदर जो दिखाई गई एंटिटी है उससे कंपेयर कर सकते, ये लगभग भाई उसी के जैसा ही कुछ था। नेक्स्ट बात करूं मैं भाई परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस मूवी के अंदर ना तो बहुत ज्यादा अच्छा था ना ही बहुत ज्यादा बुरा था, मतलब ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। और बात करें भाई हमारे गैल गैडोट के बारे में, तो भाई उनका काम मेरे को कुछ स्पेशल नहीं लगा। जैसा कि वो अपनी अदर मूवीज के अंदर जैसा काम करती है, जैसी एक्टिंग करती है, वैसा ही काम उन्होंने इसी मूवी के अंदर किया। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था कि भाई जिसको देख रहा हूं भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाए, ऐसा उन्होंने कोई स्पेशल काम नहीं किया इस मूवी के अंदर। मेरे को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इस मूवी के अंदर भाई हमारे जेमी डोरमैन के कैरेक्टर पार्कर ने, क्योंकि भाई वो इस मूवी का मेन विलन भी है। हाँ सही सुना आपने, वो इस मूवी का मेन विलन है, ना कि हमारे आलिया भट्ट की कैरेक्टर है। उन्होंने भाई बहुत ही सही कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब भाई एकदम विलन वाला कैरेक्टर था उनका। जो मतलब फास्ट वाला सीन दिखाया थोड़ा बहुत, वहां पर मेरे को बहुत ज्यादा उनकी एक्टिंग, उनके जो एक्सप्रेशन थे भाई वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए। लग रहा था कि बंदा सच में भाई कुछ फील कर रहा है, उसके अंदर पेन उसको फील हो रहा है। एंड जिस तरह से भाई बताया जा रहा था कि जो हमारी आलिया भट्ट है वो इस मूवी की मेन विलन होने वाली है, तो भाई वो साफ साफ एकदम क्लिक बेट था। मैं इसको स्कैम नहीं बोलूंगा, ये मतलब क्लिक बेट के जैसे आप बोल सकते हो कि भाई उन्होंने बस क्लिक बेट किया हमको। एंड साइज से ये मूवी का मतलब मेन प्लॉट भी हो सकता है या फिर ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन वो मेरे को मतलब ऐसा शुरू के अंदर मूवी की स्टार्टिंग में फील हो गया था कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा बहुत मेरे को गलत लग रहा है, ये बंदा सही नहीं लग रहा है। एंड हमारी आलिया भट्ट को भाई फर्स्ट हाफ के अंदर भाई स्क्रीन टाइम तो बहुत ही कम मिला है। एंड जैसे शुरुआत में उनको दिखाया जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक विलन है जो कि मतलब बहुत कुछ हैक कर सकती है। एंड लास्ट में आते आते वो मतलब हमारी गल गैडोट के साथ ही काम करने लग जाती है, उनके अंडर काम करने लग जाती है। एंड भाई जिस काम के लिए मतलब जिस उनका टारगेट जिस मिशन के लिए हमारी आलिया भट्ट इतने सारे कुछ हैकिंग की, जो हमारा हार्ट है इतना मतलब पावरफुल एंटिटी है उसको चोरी किया, वो कम तो हुआ ही नहीं ना मूवी के एंड के अंदर भाई, वो तो हुआ ही नहीं। तो भाई लास्ट के अंदर उसका मतलब क्या निकला, इतना सब कुछ किया उन्होंने, उनका जो खुद का मकसद है वही पूरा नहीं हुआ। तो भाई मूवी का मेन पॉइंट क्या रहा यार, मतलब मूवी के अंदर बहुत सारे लूपहोल्स है, मतलब सच में भाई मूवी के अंदर बहुत सारे लूपहोल्स है, इसकी स्टोरी एकदम परफेक्ट नहीं है। इतने सारे लूपहोल्स भाई मैं किसी भी मूवी के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। साथ ही साथ मूवी का जो VFX CGI है वो भी भाई इतना अच्छा नहीं था। मूवी के अंदर एक रेगिस्तान वाला सीन है जहाँ पर भाई साफ साफ पता चलता है एकदम मतलब बहुत नकली लग रहा था वो मेरे को, एकदम भाई साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने वहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का यूज किया है। वहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगा भाई ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा नकली लग रहा था कि भाई क्या ही बताऊँ। नेटफ्लिक्स के द्वारा भाई ऐसा काम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था वो रेगिस्तान वाला सीन। आप देख लेना मूवी के अंदर, आपको पता चल जाएगा मैं किस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई उसके अलावा भाई मूवी के अंदर कुछ फ्रेम्स है वो जो भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड कुछ जो कलर टोन्स उन्होंने यूज किए हैं भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग सीन के अंदर अलग अलग कलर टोन्स, वो मेरे को अच्छा लगा। अब बात करें भाई मूवी के साथ गलत क्या हो गया, भाई मूवी ने तो भाई सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो भाई मेरे को लगता है कि भाई मूवी के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे मूवी की जो मेन लीड है हमारी गैल गैडोट, उनके कैरेक्टर को भाई इतने नरम तरीके से लिखा गया है कि उसमें कुछ भी समझने लायक ही नहीं है। अपने बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद भी हमारी जो रकेल स्टोन है उनका कैरेक्टर उतना ही नॉर्मल है जितना कि उनके नाम से ही पता चलता है। और एट द लास्ट में यही बोलूंगा कि भाई एक मिड मूवी है, इसके अंदर ना ही कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था ना ही कुछ बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन फिर भी भाई इसको मैं वन टाइम वॉच मूवी तो बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर एक्शन थ्रिलर अच्छा है, कुछ चेज सीन है इसके तो बहुत बढ़िया लगे मेरे को। एंड हाँ इसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, एक छोटी सी गाली एक सीन के अंदर, बाकी इसके अंदर कोई भी मतलब उल्टा सुलटा सीन नहीं है। तो हाँ मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हो। तो भाई मूवी को देखने के बाद जो मेरे लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन है, जो मेरा मतलब मेन थॉट है वो निकल गया था कि हमको हमेशा हार्ट की नहीं सुननी चाहिए, यानी कि हमेशा अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि हार्ट हमेशा सही नहीं होता है। तो ये था हार्ट ऑफ स्टोन मूवी का रिव्यू। मेरे को मूवी मतलब ठीक ठाक लगी, ज्यादा कुछ इतना बढ़िया भी नहीं थी, ज्यादा कुछ बुरी भी नहीं थी। लेकिन अगर आपको ये वाला वीडियो से लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर ऐसे ही मूवी रिव्यू देखना चाहते हो तो भाई मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।